ये पिंक मॉक्स का मैंने आपको एक अपनी ही किताब का एक छोटा सा फोटो मैंने आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पर गौर से देखो तो जैसे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए। अब यहाँ पर आपको याद कैसे करनी है, ट्रिक क्या होगा? मैंने जैसे याद किए थे, देखो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, ठीक है। तो मैं जब याद करता था तो जैसे मैंने ऐसे याद कर लिया बंदीपुर। अब मैंने मुझे दिखा कि बंदी कैसे, किसी को बंदी आप कब बनाओगे? जब वो नाटक करेगा। जब वो नाटक करेगा तो बंदी बनाओगे, यानी बंदीपुर कहाँ हो गया? कर्नाटक का हो गया, इस तरीके से, ठीक है। जैसे भगवान के नाम से जितने आते हैं वो सारे के सारे कहाँ पार्क होते हैं? मध्य प्रदेश में होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कान्हा, कान्हा किसका नाम है? भगवान का नाम है। कहाँ मिलेगा? एमपी में मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से आप बहुत सारे नाम, पलामू आपको, पेंच, पांच भगवान होते हैं, पेंच कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। माधव किसका नाम है? कृष्ण जी का नाम है, वो कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में मिलेगा। तो ये छोटी मोटी ट्रिक्स के थ्रू मैं अपने दोस्त को बिठा लेता था और उसी के साथ डिस्कशन करता था, क्योंकि लास्ट के 5 दिनों में मैंने लूसेंट के सभी मिसलेनियस खत्म कर दिए, सभी ज्योग्राफी। अब ये पिंक बॉक्स कहाँ मिलेंगे? तो ये आपको मिलेंगे आपके लूसेंट की किताब में, मिसलेनियस पोर्शन में, और साथ में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, हर जगह ये पिंक बॉक्स मिलेंगे। तो लास्ट के 30 दिनों में क्या करना कि सभी पिंक बॉक्स खत्म कर देना जो जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जैसे छोटी मोटी चीजें हो गई, जैसे यहाँ पर मैंने ऐसे याद कर लिया था दक्षिण काम। अब दक्षिण देखो, भारत में दक्षिण में कौन है, ठीक है, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण का उल्टा कौन? कश्मीर। तो कश्मीर मिलेगा दक्षिण गांव में, जम्मू एंड कश्मीर, इस तरीके से। जितने ताल वाले हो जाते हैं वो कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड में मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बाल पाखरम, बाल पक रहे हैं। क्यों बाल पक रहे हैं? क्योंकि मेघ आते हैं, और मेघ आते हैं तो मेघ के पानी जो होता है बहुत खराब होता है, वो बाल पका देता है। तो बाल पाखरम मेघालय। मानस भगवान का नाम है, सॉरी पेंच जो हो गया वो कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश। माधव कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश। इस तरीके से आप सारे के सारे पिंक बॉक्स याद कर लो, यकीन मानो स्टैटिक पोर्शन बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे पेपर में, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बॉर्डर, लेंथ ऑफ इंडियाज बॉर्डर विद द नेबरिंग कंट्रीज, इस तरीके से मैंने याद किया था। आप सभी को पता होगा एक ट्रिक, बचपन में एमबीए। बचपन में एमबीए का मतलब ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो इस तरीके से ट्रिक्स के थ्रू हमने याद किए थे कि बचपन में एमबीए याद हो गया तो पता चल गया कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनके साथ हम स्टेट शेयर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि देखो मेरी भी लूसेंट की किताब थी, जैसे मैंने कवर अप किया था, तो ये रीजन था एक जीएस में स्कोर करने का काफी कम समय में।